का सारा दिन बिल्कुल बिल्कुल गुजरना चाहिए। क्या कैश। मतलब ऐसे आप क्यों नाराज हो रहे हैं? यार मैं नाराज नहीं हो रहा, क्योंकि बिल्कुल इनलॉजिकल सी बात हो रही है। या उसे से बात तो मैं आपके साथ रिजवान और क्या बाबर सरफराज बात हो रही है, पाकिस्तान टीम की जो खेल रही है, आप उसमें बात करो। फिर आप किसी और को बात ही नहीं करने दे रहे, आप कह रहे हो कि इनसे क्यों पूछ रहे हो, उनसे पूछो भाई। हम लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? फिर आप भी क्यों बैठे हुए यार? बताओ ना, ऐसा तुम बताओ ना उन्हें, हम बात करना शुरू कर रहे हैं। आप इमामुल्लाह क्यों खेल रहे हैं बताओ उन्हें। आप इंटरप्ट करके एक ही बात 50 यार इमामुल्लाह क्यों खेल रहा है? आप उसके एवरेज को लेके बैठे हो, शुरू में नॉट आउट एवरेज बढ़ जाता है, वो उसी एवरेज को लेके चलते रहेंगे आप? यार अगर 50 की एवरेज है उसकी वनडे में, तो वो आप उसी एवरेज को लेके चलते रहेंगे? मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना सा, मुझे आज पकड़ दबाने आप मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दें। बैटिंग 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 व्हाई बैटिंग सिर्फ? बॉलिंग क्या है? बॉलिंग पे बात करें आप। यार बैटिंग पिच है, बॉल यही नहीं पता। बॉलिंग पे बात करें, सारी पिचेस बैटिंग पिचेस बनाई हुई है उन्होंने, सारी बैटिंग, तो बैटिंग पे बात करेंगे तो भाई बैटिंग पे बात कर रहे हैं ना। फिर आप बोलते बाबर की 50 हो गए, आप बोले सबको खेलना चाहिए, तो ये कह रहा है, ये कह रहा है बॉलिंग पे यार, वो भी गलत कह रहा है, मैं भी गलत कह रहा हूं। सर्कल पे छोड़े यार, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। नहीं नहीं मेरा ये सवाल है, कसम है वापस नहीं आना प्लीज। नहीं नहीं एक मेरा ये सवाल है ना, आप बॉलिंग पे बात करें चाहे बैटिंग विकेट, आप बॉलिंग में भी तो बात करें। यार एक बात बताओ। ओ यार एक मिनट रुक जा, ओ ये मिठाई खिला मेरे कैमरामैन को, मैं देना चाहता हूं मिठाई खिला। यार एक सैंडविच दो बाबा। भाई ये तो स्पॉन्सर है, अब आप मिठाई खा रहे हो उस पर एतराज, मिठाई क्यों खा रहे हो, मिठाई क्यों खा रहे हो? अबे मैं क्या मतलब अपने आप को छुरे मार लूं, क्या कर लूं? अभी मैंने हल्की सी सी पीठ खुजाई है, बोले पीठ क्यों खुजा रहे हो? हां देखो बोला आपने, आपको बॉलिंग पे भी पूरी टीम पे बात। यार बॉलिंग विकेट नहीं है इसलिए बॉलिंग पे बात ही नहीं है। बॉलर बैटिंग करके चले जाए, ये कैसी आप बात कर रहे हैं? 350 कैसी बात कर रहे हैं? 350 कर चले। अच्छा ठीक है, बैटिंग अच्छा अभी तक। अच्छा एक बात, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी तक सारे मैचों में आप मेरी बात सुने या विकेट ज्यादा? नहीं नहीं आप मेरी बात सुने, पहले एक सवाल का जवाब दें। मैं नहीं दूंगा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले एक सवाल का जवाब दें। मैं तो दूंगा ही नहीं जवाब, वो मैंने गलती मान ली। चलें। नहीं नहीं मैं हो गया मेरे सवाल का जवाब मान ली, मैंने हार मान ली। आप मेरे सवाल का जवाब दें, रन कितने बने, रन ज्यादा बने? मेरी यही बात है, मेरा यही मेरा सवाल है कि अगर हमारे बैट्समैन अच्छे खेल के 400 स्कोर भी बना लेते हैं, 500 स्कोर बना लेते हैं, 600 बना लेते हैं, डिफेंड कौन करेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप क्रिटिसाइज सही कर रहे हैं, लेकिन आप बॉलिंग पे भी तो बात करें ना। ये तो भाई नरेंद्र मोदी का कमेंट है, क्या बोले ये पाकिस्तानी टीम का आना बनता था आज स्टेडियम में, बताएं ये गलत कमेंट किया है। हम बैटिंग लाइनअप पे क्यों बात कर रहे हैं, बॉलिंग पे भी तो करनी चाहिए यार। बैटिंग अगर बैटिंग विकेट पे बैटिंग लाइन ना हो, बैटिंग लाइन अच्छा ना परफॉर्म करे, तो फिर क्या बोले? अच्छा आपकी बात सही है, बॉलर तो ये कह के वो हो जाएगा कि यार बैटिंग विकेट थी, मैं क्या करता भाई। आपकी बात बिल्कुल सही है, लगेगा मैच आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताएं कि कभी बैटिंग कभी होती है नहीं चलती, बॉलिंग चलती है, बॉलिंग नहीं चलती तो बैटिंग चलती है, और नहीं चल दोनों नहीं चलते तो पब्लिक चलती है। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन कोई ना कोई चलता है। अब बैटिंग नहीं चली पाकिस्तान की, तो आपको नहीं लगता कि बॉलिंग वाले जो बॉलर है हमारे उनको साथ देना चाहिए? भाई एफर्ट करना चाहिए सब कुछ, लेकिन वही वाली बात है ना कि विकेट जो है वो इतनी ज्यादा बैटिंग विकेट्स है कि बॉलर्स को बिल्कुल भी हेल्प नहीं है, जरा सी भी हेल्प नहीं है। वो तो मुबर्रा हो जाएंगे कह के यार के हम क्या करें। सही वो तो यही कहेंगे ना कि भाई बैटिंग विकेट थी हम क्या करें, तो सारी जिम्मेदारी किस पे आती है? बैट्समैन पे। स्कोर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था, 350 के करीब स्कोर होना चाहिए था, तो फिर बॉलर को भी हौसला मिलता है कि यार बड़ा स्कोर है। लेकिन इसका मतलब क्या कि बॉलर जो है हमारे सिर्फ वो सिर्फ बॉलिंग विकेट प्लीज देखो। अच्छा फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर कौन बैठा तू तू मैं हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दो भाई एक साथ रहते हो, अलग ही कर लें, किचन अलग कर लो, घर में एक ही रखो। बॉलर कौन बैठा है रिजर्व में? रिजर्व में कोई नहीं है ना, यही तो मैं उस वक्त से बोल रहा हूँ। क्यों नहीं लेके गए सरफराज को? पीछे अवार्ड तो देखो कितने बचे में, जहीर मेरा बच्चा भेड़िया। जब उज्मी भाई जब गलत होने आते हैं ना, उनको लग रहा है यार ये पॉइंट अब मेरे से नहीं संभाला जा रहा, सरफराज 50 को ले जाते हैं। तो भाई बॉलर को क्यों नहीं लेके गए, क्यों नहीं लेके गए? इसी भी तो बात करें, मैं यही सोच चाहता हूं, अब इस पे बात करें। कौन बॉलर होना चाहिए था फास्ट बॉलर, आप मुझे बताएं? आमिर को लेके जाते हैं, वो कौन है अपना जो आया था एहसानुल्लाह, उसको क्यों नहीं लेके गए भाई? शहरोज भाई अभी इंजर्ड, अभी पता लगा भाई जान। हेलो क्या अभी अभी पता लगा शरोज भाई गाड़ी में बैठे हैं और निकल गए घर। अच्छा ये तो पुराना करे कबूलियत की गाड़ी हो जाए ये तो यार ऐसा भाई हमारा है। अबे भाई अभी लेने भी है। नहीं नहीं अल्लाह कर नहीं भाई, शरोज भाई आओ यार हमारा भाई है, हमारा मोहसिन है। और कह के गए मैं अगले दो मैच इसमें नहीं आऊंगा। अच्छा ये बहाना ना हम बहुत अरसे से पहले से सुनते आ रहे हैं, जिस बॉलर को नहीं ले जाना होता ना टीम में, वो कहते हैं